नमस्कार जोहार। सबसे पहले सुनते हैं सुर्खियां। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर झारखंड सरकार ने कसी कमर। सरकार ने जारी किए अहम दिशा निर्देश। कारागार में बंद वृद्ध कैदियों को लेकर सीएम ने दिखाई संजीदगी। सीएम ने वृद्ध बंदियों को कारामुक्त करते समय उन्हें राशन, पेंशन, आवास योजनाओं से आच्छादित करने का दिया निर्देश। गोड्डा के दलित परिवार को घर से निकालने की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड राज्य की नई खेल नीति 2020 के प्रारूप गठन पर प्रस्तुति प्रस्ताव की समीक्षा की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और वीर शहीद सिद्धू कानू के वंशजों ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू की मौत की सीबीआई जांच का किया आग्रह। आप झारगोफ टीवी का डिजिटल रेडियो सुन रहे हैं। इसे आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। इस बार सावन के महीने में प्रतिदिन लगभग लाखों शिव भक्त देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह से प्रातः श्रृंगार पूजा एवं शाम को शास्त्रीय विधि से पूजन एवं भव्य आरती का ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं। आज प्रातः 4:45 से 5:30 तक बाबा मंदिर में श्रृंगार पूजन हुआ, जबकि शाम 7:30 से 8:30 तक संध्याकालीन पूजन एवं आरती का आयोजन हुआ, जिसका सीधा प्रसारण झारगोफ टीवी के ऐप, वेब पोर्टल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर किया गया। सुबह बाबा मंदिर का ऑनलाइन दर्शन करीब 7,20,000 लोगों ने किया, जबकि संध्या आरती के समय करीब 9,25,000 लोगों ने ऑनलाइन दर्शन किया। और अब खबर विस्तार से। कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के मद्देनजर झारखंड सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों और गृह मंत्रालय के आदेश के खंड 6 अंतर्गत प्रावधानों के आलोक में दिनांक 29/6/2020 के तहत अधिनियम निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देशों के कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए झारखंड सरकार के सभी विभागों और सभी जिला प्रशासन को राज्य में यात्रा करने के संबंध में कुछ अहम नियम व प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराना है। हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड आने वाले, लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को झारखंड सरकार की वेबसाइट www.jharkhandtravel.nic.in पर अपना व्यक्तिगत विवरण देना होगा। जिला प्रशासन उपरोक्त निर्देश और समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करना होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो जिला प्रशासन उस व्यक्ति को क्वारंटाइन करेगा, साथ ही साथ भुगतान भी उस व्यक्ति से लिया जाएगा। मालवाहक आवाजाही में शामिल वाहनों के ड्राइवर, सहायकों, राज्य के भीतर बाहर संचालित होने वाली एयरलाइनों के कर्मियों, अंतर्राज्यीय आंदोलन के दौरान राज्य से गुजरने वाले लोगों और भारत सरकार के अधिकारियों पर निर्देश लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन के संगरोध आदेश में छूट केवल एक अपवाद के रूप में दी जा सकती है, आवेदन पर, जब व्यक्ति केवल झारखंड आया था और व्यापार आधिकारिक उद्देश्य के लिए उचित समय के भीतर अपने गृह राज्य की यात्रा कर रहा है। राज्य में रेलवे और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सचिव परिवहन और नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वांछित रूप में यात्री के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं वो उसे पूरा करना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कोई भी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिला प्रशासन द्वारा दलित परिवार को बंधक किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया।
मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि गुड्डा जिला के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 4 में दलित परिवार को प्रशासन द्वारा घर से निकाला जा रहा है। परिवार को तत्काल मदद की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त गुड्डा को अविलंब मामले में संज्ञान लेते हुए जांच एवं न्यायोचित कार्रवाई करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विभिन्न कारा में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने की दिशा में पॉलिसी का निर्माण करें, ताकि उन्हें और उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। कारा प्रशासन द्वारा काम के एवज में मिल रहे लाभ के साथ पेंशन देने की योजना सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों को कारा मुक्त करने से पूर्व काउंसलिंग करें, ताकि रिहा होने के बाद वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो। साथ ही मनोचिकित्सक की बहाली करें, जिससे नियुक्त मनोचिकित्सक राज्य के कारागारों में बंदियों का काउंसलिंग करें। आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को कारा मुक्त करने में कई बातों का भी ध्यान रखे जाने की बात सीएम ने कही, जैसे बंदियों के अपराध की प्रवृत्ति, आचरण, उम्र, कारा में बिताया वर्ष, उनकी आपराधिक मानसिकता, ताकि बाहर निकलकर वो दोबारा अपराध न करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की भौतिकी उपलब्धि की समीक्षा तथा DMFT की राशि को PM गरीब कल्याण योजना हेतु ऑन टाइम रिलैक्सेशन के प्रस्ताव पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वीर शहीद सिद्धू कानू के वंशजों ने मुलाकात की, स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू की मौत की CBI जांच का आग्रह किया और बताया कि यह हत्या सुनियोजित थी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि राज्य सरकार आपकी मांग पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री मंत्रालय में खेल नीति 2020 की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा एक पोर्टल प्रारंभ करें, जहां राज्य के खिलाड़ी अपना ब्यौरा दर्ज कर सकें। खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार करें, यह खेल नीति को और कारगर बनाने में सहायक होगा। कई खास बातें भी रही। राज्य के सभी बालक बालिकाओं एवं युवा एवं सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने एवं सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। प्रतिभाशाली बालक युवा खिलाड़ियों को चयनित खेल विद्या में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना। प्रतिभा की पहचान कर उसे मौका देना, प्रशिक्षण देकर उनका सर्वांगीण विकास और आगे चलकर उन्हें चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करना है। खेल नीति के कई उद्देश्य भी हैं। राज्य में खेलों में खिलाड़ियों का अभूतपूर्व निर्माण एवं विकास करना, खेल को आकर्षक एवं व्यवहार कैरियर विकल्प के रूप में तैयार करना, साथ ही खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करना। खेलों को प्राथमिकता के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटा गया। अधिक संभाव्यता वाले खेल एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, साइकिलिंग, कबड्डी। संभाव्यता वाले खेल उशु, वॉलीबॉल, दिव्यांग खेल। कम संभाव्यता वाले खेल मुक्केबाजी, खो खो, निशानेबाजी, जिम्नास्ट व अन्य शामिल हैं। और भी कई अन्य बातें रही। खिलाड़ियों में प्रतिभा अभिवृद्धि के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला व राज्य स्तर पर कार्य करने की योजना, खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने की योजना, पूर्व खिलाड़ियों की पेंशन योजना का लाभ, मुख्यमंत्री को शिक्षा एवं खेल, ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विश्वविद्यालय, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना, प्रशिक्षक विकास, शिक्षण संस्थानों में 3% एवं सरकारी नौकरी में 2% क्षैतिज आरक्षण की भी बात कही गई। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारगोव TV का डिजिटल रेडियो। नमस्कार।